नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर में गंधक पोटास पीसते समय विस्फोट हो गया, जिसमें 6 दलित बच्चे झुलस गए। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को CHC गुलाबटी से हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद गाँव में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। आज लगभग 11:30 बजे ग्राम छपरावत थाना गुलावटी में 6 बच्चे, जिनकी उम्र 4 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में थी, बागों व खेतों में पक्षियों को भगाने वाले व फलों को पकाने वाले गंधक व पोटाश से इमाम दस्ते में दोनों को डालकर खेल रहे थे कि अचानक धमाका हो गया, जिससे 5 बच्चे घायल हो गए व एक बच्चे जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी उसकी मृत्यु हो गई। 4 बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज मेरठ चल रहा है और एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज मेरठ से दिल्ली रेफर कर दिया गया इलाज हेतु। अमेठी में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि ने अपने समर्थकों के साथ पूर्व प्रधान के परिजनों पर हमला बोल दिया, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साजापुर जिला कारागार में अयोध्या की तर्ज पर स्पेशल दिवाली मनाई गई। जेल अधीक्षक ने बंदियों के बीच साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन कर जिला कारागार को भव्य रूप से सजाया। बंदियों द्वारा विभिन्न प्रकार की रंगोलियां, झालर, दीप सहित बैरकों को सजाकर जेल की दिवाली में 4 चांद लगा दिए। साजापुर जेल को जब से मिजाजी लाल ने चार संभाला है, तब से बंदियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा चुका है। दीपों के पर्व दीपावली को खास बनाने के लिए जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने जेल के बंदियों के बीच साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक, ADM और कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हुए। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि कारागार के बंदियों द्वारा जेल में सशक्तिकरण, कोरोना, स्वच्छ भारत और नशा मुक्ति के साथ साथ अन्य सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई गई। शाहजहाँपुर जेल में अयोध्या के दीपोत्सव से प्रेरित होकर के भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा सभी बंदियों की टीमें बनाकर साज सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी बंदियों को खील खिलौने, फल, मिष्ठान और बतासे वितरित किए गए। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शाहजहाँपुर एवं कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मंडल की भूमिका अदा की गई। उक्त कार्यक्रम मातृमंडल सेवा भारती के सौजन्य से आयोजित किया गया। सभी बंदियों में दीपावली के पर्व पर अत्यंत खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। अमेठी में ATM मशीन से नकली नोट निकालने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ग्राहक ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल कल देर शाम एक युवक ने India1 ATM से पैसे निकालते, तभी युवक को 200 रुपए के नकली नोट मिले थे, जिसके बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी। पीलीभीत में बीती रात दीपावली पर्व पर 2 बच्चे आतिशबाजी से झुलस गए। मामले को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चे पटाखों में से बारूद निकालकर जलाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। आनन फानन में दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब खबर औरैया से, जहां विधुना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 4 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से सबसे निचले तल पर हल्दीराम कंपनी के गोडाउन बना हुआ था, जिसमें लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था, जिसका नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पाकर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया, तब कहीं जाकर कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। थाना विधुना क्षेत्र में ये जो कस्बा लगता है, इसमें सुभाष चंद पोरवाल जी की ये हल्दीराम की का ये गोडाउन है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे गोडाउन बनाया हुआ है।
ऊपर 3 मंजिल पे लोग रहते हैं, 2 पे इनके अपने परिवारजन रहते हैं, 1 पे किराएदार रहते हैं। इसमें आग लग गई थी। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ETC के सामने एक महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस प्रशासन जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने मायके में रह रही थी। कोतवाली गोविंद कुमार ने बताया कि परिजनों के मुताबिक महिला का मानसिक संतुलन भी कुछ ठीक नहीं था। तो वहीं जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर प्राची टमटा ने बताया कि जब महिला को जिला चिकित्सालय लाया गया तो महिला की मृत्यु हो चुकी थी। सारे जो फाइनल आंसर है वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, पर जो गले पे निशान है और जो जो घर वालों की हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो जो मौत है वो फांसी लगने से हुई है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। जो और भी कुछ चीजें हो सकती है वो बाकी चीजें पोस्टमार्टम की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। सूचना हमें प्राप्त हुआ हॉस्पिटल से, सूचना आई थी कि एक महिला है, ये ITC में रहते हैं वो लोग अपने मायके में, और उसने सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पे हम लोग मौके पे गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, और वहाँ उसका पंचायत में कार्रवाई की गई। तो जो अब तक की उसमें मतलब जो बात सामने आई है, उस महिला का थोड़ा बता रहे हैं मानसिक संतुलन कुछ खराब रहता था पहले, और वो लगातार अपने मायके में रहती थी। बाकी जो भी उसमें और सच्चा उसमें जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पंचनामा किया जा रहा है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगा, जो जाँच आगे जो भी मतलब उसमें जो उसकी जाँच होगी, जाँच के बाद जो भी मतलब सामने आएंगे तो पंचनामा किया जाएगा। रुड़की के रामपुर चुंगे स्थित राई गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते फैक्ट्री आग का गोला बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए। सूर्य ग्रहण के कारण चार धाम के कपाट बंद रहे। सुबह 4:26 पर कपाट बंद हो गए और शाम 5:30 के बाद अब खुलने की तैयारी होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सूर्य ग्रहण पर 25 अक्टूबर को 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो गया है। इसके चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर समेत अन्य छोटे बड़े मंदिर बंद हैं। सूर्य ग्रहण पर 25 अक्टूबर 2022 को 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए प्रातः 4:26 पर ग्रहण से ठीक पहले चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों सहित सभी छोटे बड़े मंदिर बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर शाम 5:32 तक ग्रहण काल रहेगा, इसलिए ग्रहण काल समाप्ति के पश्चात मंदिरों में साफ सफाई कार्य, सायंकालीन अभिषेक, शयन पूजा और आरती संपन्न होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शनों की इजाजत नहीं होगी। आप अगले दिन दर्शन कर सकते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीपावली पर अंकिता भंडारी समेत अन्य बेटियों के नाम भी दिया जलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिया सभी दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का खत्म करता है, साथ ही उनकी आत्मा में प्रकाश फैलाता है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवाली के मौके पर अपने आवास पर दिया जलाया। उन्होंने उत्तराखंड की बहादुर बेटियों के नाम भी दिया जलाया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उनका ये दिया अंकिता भंडारी के नाम है, जिसने उन दुष्ट आत्माओं के आगे झुकने के बजाय अपने प्राण गंवा दिए। ये दिया अंकिता से लेकर काजल समेत उन दलित बेटियों के नाम है जो गरीब और दलित परिवार में जन्मी और पुरुषों के हवस का शिकार बनी। ऐसे में ये दिया उन दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का शमन करे, साथ ही उनकी आत्मा में प्रकाश फैलाए। ऋषिकेश में IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत काले की ढाल से चोरी हुए क्रम को पुलिस और सुजीत देहात की टीम ने हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से बरामद कर लिया है। चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शाहिद, मुलसीन और दिलशाद के रूप में हुई है। चोरी की वारदात में शामिल एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली है। ₹21/22 की रात को काले की ढाल के पास से एक
विक्रम टाइप का लोडर चोरी हो गया था। इसकी सूचना 23 तारीख को थाने पे आई। जैसी सूचना आई उसके बाद में सारे सीसीटीवी और सारी हमने अपनी सारी और जो एजेंसियां थी मुखबिर तंत्र सबको लगाया, काफी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। शेष में फल सब्जी अनाज और गुड़ की मंडी एक ही छत के नीचे लाने के प्रयास कृषि मंडी समिति ने तेज कर दिए हैं। मंडी समिति ने आईडीपीएल से 250 एकड़ भूमि मंडी के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा। मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती का दावा है कि जल्द ही शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने वाली है, जिसके बाद अहमदाबाद की तर्ज पर शेष में सुविधाजनक युक्त मॉडल मंडी का निर्माण कराया जाएगा। देखिए, हमने केंद्र सरकार को मंत्रालय में हमने प्रस्ताव भेजा था आईडीपीएल के माध्यम से उनके केंद्र कि हमें कम से कम 200 या 250 एकड़ जो बीघा जो जमीन है वो हमें रिक्वायरमेंट थी मंडी, ताकि हमारी तीनों जो मंडियां हैं फल सब्जी अनाज और गुड़ मंडी जो है एक उस कैंपस में आ जाए, और जिससे सबको सहूलियत मिलेगी, व्यापार करने में भी सहूलियत मिलेगी, और हम लोगों को भी जो मंडी शुल्क का वो है वो प्रॉपर ढंग से में आने लगेगा, और हमारी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रहेगी। उस हिसाब से हमने भेजा था। तो वो अब हमने जो हमें सूचना मिली है कि जो आईडीपीएल की जो लैंड है जो हमने मांगी थी 250 बीघा वो राज्य सरकार को सौंप दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।